हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक फ्री डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, जिसका नाम है सॉन्ग ट्रेडर, जिसके थ्रू आप अपने म्यूज़िक को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हर एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। अगर हम इंडियन स्टोर्स की बात करें तो उसके ऊपर आप दो इंडियन स्टोर अवेलेबल हैं और उनके ऊपर आप अपने म्यूज़िक को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो है हंगामा म्यूज़िक और एक है हमारा सावन। तो इन दोनों पे, इंडियन स्टोर्स पे आपका म्यूज़िक आएगा। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखना, मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कैसे म्यूज़िक को सबमिट करना है, हर एक डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के। तो सबसे पहले तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको जो साइन इन कैसे करना है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो ये सॉन्ग ट्रेडर म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आपको फ्री में म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करने का जो ऑप्शन देता है, लेकिन उसमें से जो आपकी अर्निंग होगी, अगर आप फ्री में म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देन कुछ परसेंट जो आपकी अर्निंग होगी उसमें से सॉन्ग ट्रेडर रख लेगा। इसका एक जो प्रो प्लान भी है, उसके थ्रू आप अनलिमिटेड म्यूज़िक जो वह रिलीज़ कर सकते हैं और जो आपकी रॉयल्टीज़ होगी वो आपको 100% मिलेगी, मतलब 100% आपको आपकी अर्निंग मिलेगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आप फेसबुक के थ्रू साइन अप कर सकते हो और एक ईमेल के थ्रू। तो आप जैसे भी अपना ईमेल के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अपना नाम दीजिए, लास्ट नेम दीजिए, ठीक है, कंपनी का नाम दीजिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ईमेल और उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, आई वॉन्ट टू सेल म्यूज़िक और आई वॉन्ट टू बाई म्यूज़िक। आप एक आर्टिस्ट हो तो आपको आई वॉन्ट टू सेल म्यूज़िक करना पड़ेगा, आई एम रॉबर्ट करने के बाद साइन अप कर लेना। सिंपल प्रोसेस है साइन अप करने का, इसके थ्रू आप साइन अप कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि आप म्यूज़िक को यहाँ पे रिलीज़ कैसे कर सकते हैं। तो एक इशू ये आता है कि सॉन्ग ट्रेडर कुछ जो आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इसको यूज़ करने में, कि कैसे हम इसको यूज़ करें। बिकॉज़ अगर आप सॉन्ग ट्रेडर के जो थ्रू अगर आप अपना म्यूज़िक को रिलीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने म्यूज़िक को सबमिट करना पड़ता है पहले सॉन्ग ट्रेडर में, और वहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाद आपका सॉन्ग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी आपका जो सॉन्ग होगा वो पहले रिव्यू होगा सॉन्ग ट्रेडर की टीम के द्वारा। तो फुली कम्प्लीटली बताऊंगा क्या कैसे करना है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो दिखा देता हूँ, जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये तो डैशबोर्ड का है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप खुद करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी इनकम अभी तक सिर्फ $5 के करीब ही हुई है, और जैसे ही $10 होते हैं आप अपने पेपाल के थ्रू अपनी जो आपकी अर्निंग होगी वो विड्रॉल ले सकते हैं। तो यहाँ पे माई प्रोफाइल होगी, ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो माई अपनी प्रोफाइल को आप कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये प्रोफाइल है, और उसके बाद माई सॉन्ग्स का ऑप्शन है। तो ये जो माई सॉन्ग्स का ऑप्शन है, इसमें जो आपके सॉन्ग्स होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपने अपने सॉन्ग ट्रेडर में जो सबमिट करके रखे हैं। तो ये सारे सॉन्ग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक सॉन्ग को ओपन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको 100% पहले सॉन्ग ट्रेडर में अप्रूव्ड करना पड़ेगा, कैसे आपको एक ग्रीन टिक मिलता है यहाँ पे, वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉन्ग स्टेटस, अभी मेरा ये जो एक्टिव है, ऐसे आपको जब ग्रीन टिक आ जाएगा उसके बाद ही आप जो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अपने म्यूज़िक को। तो इसमें काफ़ी यूज़र्स को इशू आता है कि ये जो ग्रीन टिक है ये नहीं मिलता। तो यही मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सबसे पहले सॉन्ग ट्रेडर में जो ग्रीन टिक लेना है, अप्रूव्ड लेना है, और उसके बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कंप्लीट देखना अगर आप चाहते हो कि सॉन्ग ट्रेडर को यूज़ कैसे करना है, कैसे फ्री में म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे सबसे पहले फर्स्ट सॉन्ग ट्रेडर में म्यूज़िक को सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं अपलोड म्यूज़िक का, ये आप देख सकते हैं कर्सर को। तो सबसे पहले हमें अपने म्यूज़िक को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम म्यूज़िक को ही अपलोड कर लेते हैं,
और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको ग्रीन टिक लेना है, कैसे अप्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले इनका जो एग्रीमेंट है उसको आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ब्राउज़ करता हूँ और मैंने पहले से जो म्यूज़िक है यहाँ पे एक बना के रखा है कम्प्लीटली। तो ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे बना के रखा हुआ है, तो इसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और जो म्यूज़िक का फॉर्मेट है ये इन्होंने यहाँ पे रेकमेंड करके रखा है कि आपका जो म्यूज़िक होना चाहिए वो 24 बिट का होना चाहिए, 480KHz हो, और आपकी जो फाइल हो WAV और AIF हो। तो MP3 भी यहाँ पे वर्क करेगा, कोई इशू नहीं आएगा, MP3 भी यहाँ पे अपलोड हो जाता है। तो अभी के लिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो म्यूज़िक है हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है, अभी के लिए कम्प्लीटली अपलोड नहीं हुआ, आगे हमें स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा रहा है पेंडिंग सॉन्ग सबमिशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारी फाइल का नेम है फायरफॉल और ये हमारा ऑडियो है, और यहाँ पे अभी सबमिट एंड कंटिन्यू का बटन पे आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये वर्ज़न है जो सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका रीमिक्स है, मतलब अगर आप रीमिक्स सॉन्ग क्रिएट करते हैं तो आपको रीमिक्स सेलेक्ट करना है। अगर आपका सॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल वर्जन है तो आपको इंस्ट्रूमेंटल वर्जन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा मेन मिक्स है, इससे पहले मैंने इसको कहीं भी अपलोड नहीं किया, ये ओरिजिनल है। तो यहाँ पे मैं मेन मिक्स सेलेक्ट करूँगा, तो उसके बाद ये मैं सबमिट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि म्यूज़िक आपका खुद का होना चाहिए, किसी का कॉपी मत करना, अदरवाइज़ आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। ये मैं हर बार कहता हूँ कि म्यूज़िक को कभी भी किसी का कॉपी मत करो। अगर आप रीमिक्स करते हो तो वहाँ पे आप अपना रीमिक्स सेलेक्ट कर लो, किसी और का अगर सॉन्ग आप करते हो तो, अगर कवर सॉन्ग है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे सॉन्ग का मेटा डाटा है, तो हमें इसको फिल करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सॉन्ग का ऑटोमेटिकली जो टाइटल है वो यहाँ पे आ चुका है, और सॉन्ग ईयर ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं इसे अपलोड कर देता हूँ, और रिलीज़ डेट यहाँ पे 29। तो ये जो रिलीज़ डेट है ये वो वाली नहीं है जिस दिन आपको म्यूज़िक सबमिट होगा, ये रिलीज़ डेट वो है जिस दिन आपने अपने सॉन्ग को सॉन्ग ट्रेडर में सबमिट किया, तो ये रिलीज़ डेट वो वाली है। और यहाँ पे आपकी जो कंट्री है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आर्ट कवर है यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका अपलोड नहीं है पहले से तो यहाँ पे आपको पहले से क्रिएट करके रखना है, अपना बना के रखिएगा आर्टवर्क। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़ करता हूँ, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, और जो आपके आर्टवर्क का फॉर्मेट होगा वो JPG होगा, PNG होगा, और आप यहाँ पे जो GIF इमेज है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा कवर आर्ट था वो अपलोड हो गया, इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टवर्क आ गया। और उसके बाद बारी आती है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका नाम नीचे रिकमेंडेशंस में नहीं आता तो आपको न्यू आर्टिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप सॉन्ग ट्रेडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको न्यू आर्टिस्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी नाम रख देता हूँ, जैसे कि मैं रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे न्यू आर्टिस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये देख सकते हैं न्यू आर्टिस्ट हो जाएगा, आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपना नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे ये पहले से आ रहा है रिकमेंडेशंस में, यहाँ पे मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ये जो आ रहा है मेन आर्टिस्ट, मतलब मेन कौन है, ये मेरा आ रहा है मेन आर्टिस्ट मेरा नाम। अगर आप किसी आर्टिस्ट को फीचर्ड कर रहे हैं अपने सॉन्ग में, या फिर आप कंट्रीब्यूटिंग कर रहे हैं, मतलब कोई आपके साथ गाना गा रहा है, तो आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेन आर्टिस्ट हूँ, तो यहाँ पे मैं मेन आर्टिस्ट को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐड हो गया, मेरा मेन आर्टिस्ट कौन है, ये मेरा नाम है। अगर आप किसी दूसरे को फीचर्ड करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं, चलो ये मेरा एक फ्रेंड है, तो चलिए मैं इसको फीचर्ड कर देता हूँ। आप किसी को भी ऐसे फीचर्ड कर सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट के तौर पे, या फिर अगर वो फीचर्ड आर्टिस्ट है, तो चलो ये मैं कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे ऐड कर देता हूँ।
तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिलीट का जो बटन है, आपको इसको डिलीट करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको फिर से ऐड करना है, कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसे ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जितने मर्जी आप यहाँ पे मेन आर्टिस्ट ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और उसके बाद बारी आती है मास्टर ऑनरशिप, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हेल्प करेगा आपको ग्रीन टिक लेने के लिए। तो ये आप जो ये क्वेश्चन मार्क का एक बटन आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपको इसको कम्प्लीटली रीड कर देना है। अगर आप किसी का भी सॉन्ग कॉपी करते हैं तो यहाँ से रिलीज़ नहीं होगा, आपको सबसे पहले उसकी ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मास्टर ऑनरशिप किसके पास है इस सॉन्ग की, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंट्रोल पार्टी, किसके पास इस सॉन्ग का जो कंट्रोल है, ये मेरे पास है। यहाँ पे ये टिक लगा के रखा है। और प्रपोज्ड कितने परसेंट है, तो यहाँ पे मैं इसे 100% कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे आप ये जो विजिबिलिटी ऑप्शन है, अगर आप फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज सेव के बटन पे ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो सेव के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा ग्रीन टिक लगाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा ग्रीन टिक लगा आ रहा है। अब कुछ यूज़र्स का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हमारा ग्रीन टिक नहीं आ रहा, तो ग्रीन टिक कैसे आएगा। तो आपकी जो ऑनरशिप है, आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ चेंज ऑनरशिप। तो यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं, आपको नेम टाइप करना है और उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है ईमेल एड्रेस का, जिस ईमेल के थ्रू आपने अपना सॉन्ग ट्रेडर का अकाउंट क्रिएट किया है, आपको अपनी ईमेल यहाँ पे डालनी है और ऐड करनी है। जो आपकी ईमेल होगी वो एक बार जो कंफर्मेशन कोड जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर, आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जब आप कंफर्मेशन कोड को कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद आपका जो ग्रीन टिक है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। जो ऑनरशिप सेटिंग्स है वो आपको साइड में भी देखने को मिल सकती है, जो फोर्थ ऑप्शन है ऑनरशिप सेटिंग्स का, तो यहाँ भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये चीज़ कैसे आप ऑनरशिप अपनी ऐड कर सकते हैं। तो ये ग्रीन टिक मेरा आ गया। जब तक आपका यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आता, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आपका जो म्यूज़िक है वो रिलीज़ नहीं होगा, आगे चल के वो सबमिट नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ग्रीन टिक लेकर आना पड़ेगा, तभी आपका जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि मेरा एक्टिव म्यूज़िक है, वो तभी होगा अगर आपका यहाँ पे भी ग्रीन टिक आएगा। तो चलिए, ये फर्स्ट पेज मैंने कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट के बाद आपको ऑनरशिप देनी पड़ेगी कि कौन इसका ऑनर है जो लिरिक्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपीराइट टाइटल क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉपीराइट ईयर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं पहले ही बता दूँ, ये सॉन्ग अभी मैं सॉन्ग ट्रेडर में सबमिट कर रहा हूँ, अभी ये रिलीज़ नहीं हो रहा। तो लिरिक्स क्या है ये आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये देखिए आ गया कॉपीराइट ऑनरशिप। अभी ये जो ऑनरशिप आई है, ये आई है हमारी लिरिक्स के लिए। तो सेम आपको, अगर आपके पास ऑनरशिप नहीं है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना जो आर्टिस्ट नेम आपने सेलेक्ट किया था वो आप यहाँ पे डालिएगा। जो आपकी ईमेल आईडी होगी वहाँ पे कंफर्मेशन जाएगा, आपको वहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा, लिंक के थ्रू होगा वेरिफिकेशन। अगर नहीं जाता तो यहाँ पे डायरेक्टली अपने ईमेल एड्रेस को डालिए, उसके बाद ऐड कीजिए, फिर आपका कंफर्मेशन जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी जो कंफर्मेशन होगी जो आपकी ऑनरशिप की, वो अप्रूव्ड हो जाएगी और ग्रीन टिक आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए, मैंने पहले से ये अप्रूव्ड करा के रखी है, मैं ऐड करता हूँ और ये आप देख सकते हैं फिर से आएगा वही ऑप्शन कि कितने परसेंट की ऑनरशिप है। मैं यहाँ पे 100% रख सकता हूँ। अगर दो बंदों की है तो आप 50-50% कर सकते हैं, दोनों का नाम ऐड करके, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो 100% करने के बाद अगर आपके लिरिक्स हैं, अगर आपके सॉन्ग के जो भी लिरिक्स हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिरिक्स का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपने लिरिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे लिरिक्स नहीं है, मेरा एक इंस्ट्रूमेंटल है, तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन टिक देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से अपने जो ऑनरशिप है वो कंफर्म करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनरशिप है ये मेरी राइटर की, तो ये मेरी ग्रीन टिक लगा आ गया, मतलब कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आगे चल के
देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। उसके बाद बारी आती है मेटा डाटा की। तो ये सॉन्ग का मेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको सही से भरिएगा, गलत मलत मत भरना। तो यहाँ पे सबसे पहले बारी आती है वोकल टाइप की। वोकल टाइप क्या है, तो मेरा इंस्ट्रूमेंटल है तो मैं इंस्ट्रूमेंटल सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपके म्यूज़िक में ठीक है कोई मैन सिंगर है, अगर आप मैन हैं तो मैन सेलेक्ट करिएगा, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करिएगा, अगर डुअट है मतलब मैन और फीमेल दोनों हैं तो डुअट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद बारी आती है एक्सपेक्ट की। तो यहाँ पे मेरा सॉन्ग एक्सपेक्ट नहीं है, मेरा सॉन्ग क्लीन है तो मैं क्लीन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो एक्सपेक्ट का क्या मतलब होता है, काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि हमारे सॉन्ग में ई टैग आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। अगर आपके सॉन्ग में कोई भी अब्यूजिंग वर्ड होगा जो चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल है, जैसे ड्रग्स हो गए, गन्स हो गए, तो उसके थ्रू वो आपके सॉन्ग के ऊपर ई टैग आ जाता है। तो वही अगर आपके सॉन्ग में ऐसी चीज़ें हैं तो आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना है कि मेरा जो सॉन्ग है वो एक्सप्लिक्ट है, ठीक है। और उसके बाद टेम्पो क्या है आपकी सॉन्ग की, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे मैं मिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका सॉन्ग कैसा है, तो मेरा डांस है, ठीक है। आप कोई भी तीन जो टैग्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, हिप हॉप है, जय जय, आप यहाँ पर कोई भी आपका जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पे आप फीचर्ड इंस्ट्रूमेंट भी बता सकते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके सॉन्ग में फीचर्ड है अगर आप देना चाहते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करूँगा, देखते हैं ये सेव होता है या फिर नहीं, और सेव होने के बाद हम अगले स्टेप में आ जाएंगे। तो ये मेरा सेव हो गया, मेटा डाटा सेव का ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों मेटा डाटा फिल करने के बाद आपको ऑडियो फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी ऑडियो जो फाइल है उसकी इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे जो ISRC कोड है ये आप देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपके पास पहले से है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बस सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, और उसके बाद बारी आ जाती है हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, उसमें है प्राइजिंग। तो प्राइजिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या प्राइजिंग रखनी है। तो यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट प्राइजिंग है तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको भी सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो म्यूज़िक ट्रैक जो रजिस्ट्रेशन जो सर्विस एग्रीमेंट है वो मेरा, ये आप देख सकते हैं ऑनर कौन है, मेरा नाम आ रहा है और ये ग्रीन टिक है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे आपको ग्रीन टिक करने पड़ेंगे, तभी आपका जो म्यूज़िक है वो सॉन्ग ट्रेडर में सबमिट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं माई सॉन्ग्स में आता हूँ, और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी अभी जो हमने सॉन्ग जो रजिस्टर्ड किया है अपना सॉन्ग ट्रेडर में वो अप्रूव्ड हो गया होगा। तो यहाँ पे जो F में आता हूँ अल्फ़ाबेट में फायरफॉल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फायरफॉल है, और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आपको अब देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं सॉन्ग स्टेटस एक्टिव। तो दोस्तों जो ये मेरा सॉन्ग है अब ये एक्टिव है सॉन्ग ट्रेडर में, मतलब अब मैं इसको इजीली जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ये देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है मोनिटाइजेशन के नीचे, यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं अभी ये मेरा एक प्रीडेटर सिंगल है जो ये अभी रिव्यू में है, अंडर रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब ये अभी रिव्यू में है। और एक ये मेरा मैड मैक्स है तो ये रिलीज जो होगा 3 से 4 अप्रैल के बीच में, तो ये अप्रूव्ड हो चुका है इसलिए ये नीचे आ गया। तो ये मैं पहले से सॉन्ग जो इसके थ्रू रिलीज़ कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरा सिंगल है तो यहाँ पे मैं सिंगल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि सबसे पहले मैंने सिंगल सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने जो म्यूज़िक का नाम है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं म्यूज़िक का नाम देता हूँ और क्रिएट, और मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं आपके सॉन्ग का इन्फॉर्मेशन है, तो ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है जो टाइटल है हमारा, ठीक है। आपकी कंट्री कौन सी है, यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सी लाइन है, सी लाइन में यहाँ पे आता है कॉपीराइट, तो कॉपीराइट किसके पास है इसका, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल देता हूँ। पी लाइन, पी लाइन का यहाँ पे मतलब होता है लेबल, तो लेबल कौन सा है, किस लेबल के अंडर आप म्यूज़िक को रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना कोई भी लेबल रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी नाम आप लेबल का रख सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है मेन आर्टिस्ट की, तो मेन आर्टिस्ट कौन है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मेन आर्टिस्ट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेन आर्टिस्ट, ये काफ़ी जो आर्टिस्ट हैं जिनके मैंने म्यूज़िक को रिलीज़ किया था, मैंने टेस्टिंग की थी, उनके नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा नाम आ रहा है, और यहाँ पे मेरा स्पॉटिफाई और एप्पल का जो ये लोगो बना रहा है, मतलब यहाँ पे आपको अपनी जो एप्पल और जो आपका स्पॉटिफाई की प्रोफाइल है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद जो आपकी वो प्रोफाइल होगी उसी के ऊपर आपका जो म्यूज़िक है वो रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे आप अगर कोई नया आर्टिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मेरा पहले से ये ऐड है, तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप ऐड करना चाहते हैं जो आप फर्स्ट टाइम जो क्रिएट आर्टिस्ट करते थे वैसे होगा, और यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू रिलीज आर्टिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद अगर आपका कोई कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट है या फिर फीचर्ड आर्टिस्ट है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे फीचर्ड आर्टिस्ट मैंने पहले जब सॉन्ग दिया था तो मैंने रखा था, तो चलिए यहाँ पे मैं उसी सेम आर्टिस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं फीचर्ड आर्टिस्ट हो गया। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा सारी सेटिंग्स को, और उसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कैसे आपको क्या कुछ करना है। तो यहाँ पे उसके बाद बारी आती है आर्ट वर्क की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पहले से इमेज आ रही है, अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, आप खुद इन सारे ऑप्शंस को देख लेना। यहाँ पे मैं जो मैंने पहले से एक इमेज क्रिएट करके रखी थी मैं उसे ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपने पहले से कोई इमेज क्रिएट करके रखी है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और चलिए मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी आ गई। अगर मैं अपनी इमेज के ऊपर देख सकते हैं इंसर्ट योर टाइटल और नेम, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे टाइटल का यहाँ पे नाम आ जाए और आर्टिस्ट का नाम आ जाए तो वो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे मैं सेव आर्ट वर्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेरा जो आर्ट वर्क है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे सॉन्ग मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये आप सॉन्ग सेलेक्ट करेंगे ये तभी सेलेक्ट होगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे आपको सॉन्ग ट्रेडर में अपने सॉन्ग को सबमिट करना है और वहाँ पे अप्रूव्ड करना है। अगर आप अप्रूव्ड कर लेते हैं तो ही आपका यहाँ पे म्यूज़िक शो होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे जो सेलेक्ट का ये ऑप्शन है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मैंने अभी अभी ये देख सकते हैं मैंने अभी अभी सबमिट किया, तो इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ फायरफॉल को। तो यहाँ पे ये मेरा सॉन्ग आ गया, फायरफॉल मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो एक बार यहाँ पे फिर से आपको मेटा डाटा देखने को मिलेगा। आप इस बार यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो मेटा डाटा यहाँ पे डाल सकते हैं इजीली। तो ये जो लिरिक्स लैंग्वेज है यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंटल डाल दिया, और यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सॉन्ग का मेटा डाटा, मतलब ध्यान से सिलेक्ट करना फिर भी। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे मैं इसको क्लब सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेटिंग्स आपको देखनी पड़ेगी। डज दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग कंटेन एक्सप्लिसिट लैंग्वेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके सॉन्ग में कुछ भी ऐसा अब्यूजिंग वर्ड है तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है इज़ दिस ऑडियो रिकॉर्डिंग अ कवर और एन एग्जिस्टिंग कॉपीराइट, मतलब आपका सॉन्ग अगर कवर सॉन्ग है या फिर आपने किसी का कॉपी किया है तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से नो है तो मैं नो पे ही रहने दूंगा। अगर आपका कवर सॉन्ग है तो आपको यस करना पड़ेगा, तो आप यस कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डू यू ऑन द कंट्रोल द मास्टर रिकॉर्डिंग ऑडियो, मतलब आपके पास कॉपीराइट है आपके ऑडियो के, तो यहाँ पे यस है तो इसको यस ही रहने दूंगा। और कुछ भी नहीं करना, बस सेव के ऊपर क्लिक करना है और ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, और जो मेरा सॉन्ग का मेटा डाटा है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा किस किस म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे आपको अपना म्यूज़िक को रिलीज़ करना है। तो पहले से ये कुछ जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बता के रखे हैं और ऑल स्टोर्स कर दिया। लर्न मोर के ऊपर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, और इस ऑप्शन को आपको इनेबल करके रखना है फ्यूचर स्टोर्स, मतलब अगर इन फ्यूचर कोई भी नया स्टोर यहाँ पे आता है सॉन्ग ट्रेडर में तो ऑटोमेटिकली आपका म्यूज़िक वहाँ पर भी रिलीज़ हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद डाउनलोडिंग प्राइसिंग, तो यहाँ पे प्राइसिंग आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं हाई कर देता हूँ। यहाँ पे प्राइसिंग होगी आपकी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लो की अगर बात करूँ तो वो होगी $1, और मिड की बात करूँ तो वो होगी $1.5, अगर हाई की बात करें तो वो हो सकती है $2, ऐसे प्राइसिंग है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो और कुछ भी नहीं करना, बस आपको नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है, यहाँ पे हमें सॉन्ग को रिलीज़ कब करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपका ये सॉन्ग पहले से रिलीज़ है तो आपको इसे
चेक करना है और बताना है कब कहाँ कहाँ से, ठीक है, कितनी तारीख को ये रिलीज़ हुआ। और यहाँ पे आपको उस रिलीज़ का जो यूपीसी बताना पड़ेगा, तो इसको मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है रिलीज़ करने का, वो आता है स्टैंडर्ड डिलीवरी। तो इसमें क्या है, इसमें कम से कम ये 14 दिन का टाइम लेते हैं। 14 दिन के बाद आपका म्यूज़िक है वो रिलीज़ होगा। अगर आप प्री सेल सेलेक्ट करेंगे तो आपको $25 पे करने पड़ेंगे, और आप अपने म्यूज़िक की जो तारीख है वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट को आपको अपने म्यूज़िक को रिलीज़ करना है। तो उसके बाद जो ये थर्ड ऑप्शन है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका म्यूज़िक रिलीज़ हो जाए सिर्फ 3 दिन में, तो आपको $25 उसके लिए अलग से आप ऐसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम फ्री में ही रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे हमें डेट क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये देखो 11, ये ऑटोमेटिकली पहले से सिलेक्टेड है, मतलब आज से 14 दिन बाद 11 तारीख को मेरा म्यूज़िक रिलीज़ होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। कोई भी सेटिंग आपको छेड़नी नहीं है, जो स्टैंडर्ड डिलीवरी है उसी को रखिएगा। तो जो हमारा लास्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा फाइनलाइज़। उसमें हमें बताया जाएगा कि हमारे म्यूज़िक में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं रिलीज़ प्रीव्यू, यहाँ पे ये सारा कुछ लिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर का, ये देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैं इस इम्प्रूवमेंट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो टाइटल है, योर टाइटल मस्ट कंटेन द रिलीज टाइटल इफ़ यू अपलोड योर ऑन मास्टर ट्रैक। यहाँ पे मैं क्लिक हेयर कर देता हूँ, यूज़ कस्टम आर्टवर्क, मतलब मैंने अपना खुद का आर्टवर्क जो यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं वो रेड कलर का जो पॉपअप आ रहा था वो अब यहाँ से हट गया है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये इनका जो कन्फर्म करना पड़ेगा, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मैं इन सभी को चारों को टिक मार्क कर देता हूँ, और उसके बाद मैं आई अग्री कर देता हूँ लास्ट ऑप्शन, और उसके बाद ये सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट फायरफॉक्स। तो इसके ऊपर आपको बस क्लिक करना है और आपका जो म्यूज़िक है वो जो सबमिट हो जाएगा। अभी वो रिव्यू में होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया रिलीज़ सबमिशन सक्सेसफुल, मतलब मेरा म्यूज़िक जो रिलीज़ हो चुका है, सबमिट हो चुकी है रिक्वेस्ट। तो बैक टू डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका ट्रैक। तो ये आप देख सकते हैं फायरफॉल अभी रिव्यू में है, जब भी ये अप्रूव्ड होगा यहाँ पे आ जाएगा। अगर कोई इशू होगा तो आपको यहीं पे बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। अपनी जो आपकी जो सेटिंग्स होगी वो आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी, अगर कोई इशू आता है तो वो अंडर रिव्यू फिर से चला जाएगा। जब तक आपका रिलीज्ड में नहीं जाता, जब तक आपका मतलब म्यूज़िक अप्रूव्ड नहीं हुआ, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ये म्यूज़िक मेरा अप्रूव्ड हो चुका है और ये अभी 4 तारीख को रिलीज़ होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका म्यूज़िक यहाँ पे रिलीज्ड के सेक्शन में आ जाएगा जब भी अप्रूव्ड होगा। तो ऐसे ही आप अपने म्यूज़िक को सॉन्ग ट्रेडर में फ्री में रिलीज़ कर सकते हैं, और आपका म्यूज़िक है जो वो आएगा हंगामा पे भी, जो इंडियन स्टोर है। तो इस वीडियो के थ्रू आप इजीली अपनी म्यूज़िक को सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो है मोनेटाइजेशन का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हैं फर्स्ट ही ऑप्शन है यूट्यूब मोनेटाइजेशन का, मतलब जो यूट्यूब के थ्रू आपकी अर्निंग होगी, क्या आप उसे लेना चाहते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अपने सॉन्ग को ऑप्ट इन करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 21 सॉन्ग को ऑप्ट इन करके रखा है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये आप देख सकते हैं NBC और नेटवर्क TV है, मतलब अगर इन सारे प्लेटफॉर्म पर आपका म्यूज़िक भी आता है तो आपको उसकी जो अर्निंग है वो आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको ऑप्ट इन कर लेना, हर एक को करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं व्यू करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माई सॉन्ग के पास में है ऑप्ट इन ऑल सॉन्ग। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यस कर देना है, आपके सॉन्ग ऑटोमेटिकली जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑप्ट इन हो जाएंगे। आपको सेलेक्ट ऑल एक ही साथ कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 हो गए। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो मतलब आपके म्यूज़िक ने कितनी अर्निंग की, कैसे की, तो आप डैशबोर्ड में जाइएगा और अपने म्यूज़िक को देख सकते हैं, एनालिटिक देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं माई एक्टिविटी 90 डेज़ की, तो सारी की सारी आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो क्विक लिंक में आपको हेल्प का ऑप्शन मिल रहा है, आप डायरेक्टली सॉन्ग ट्रेडर की टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपको आर्टिस्ट चैनल चाहिए सॉन्ग ट्रेडर के थ्रू, तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपका म्यूज़िक रिलीज़ है सॉन्ग ट्रेडर के थ्रू, आपको अपना जो ISRCS कोड है वो बता देना है सॉन्ग ट्रेडर टीम को। मैं इनका मेल भी दे दूंगा, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको आपका यूट्यूब आर्टिस्ट चैनल दिलवा देंगे फ्री में, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।